ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। मोहता में आज सुबह स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो रिक्शा पलट गया, जिसमें सवार 13 बच्चे घायल हो गए। 6 बच्चों की हालत गंभीर। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के मोहता के नजदीक ग्राम अरतरा का है। बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहता ले जाया गया, जहां इस समय अफरा तफरी का माहौल बना है। दरअसल ऑटो में सभी सवार छात्राएं थी, जो कि एक ही कॉलेज की थी। आदर्श इंटर कॉलेज की छात्राएं सुबह कॉलेज के लिए जा रही थी। सुबह तकरीबन यह घटना 8:30 के आसपास की है। छात्राओं के बताने के अनुसार कोई भी वाहन सामने से नहीं आ रहा था। ऑटो चालक की ही लापरवाही थी। वो ऑटो बहुत तेजी से चला रहा था और गाने भी बजा रहा था, जिसकी आवाज़ बहुत तेज थी, जिसमें ऑटो पलट गया। मौके से ऑटो चालक हुआ फरार। घायलों के बताने के अनुसार ऑटो अरतरा का ही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहता में पहुंचे SDM और कोतवाल, जिन्होंने घायलों से पूछताछ की और ऑटो चालक पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अभी कुछ दिनों पहले ही ट्रक की टक्कर से 15 स्कूली बच्चे घायल हुए थे, जिनमें कुछ बच्चों को कानपुर भी रेफर किया गया था। आखिर कहां तक जिम्मेदार है शिक्षा विभाग और प्रशासन? आखिर कब तक चलेगी 3 पहिया वाहनों की मनमानी? कब नींद से जागेगा प्रशासन? हमीरपुर राठ से टाइम्स 18 न्यूज के लिए योगेश साहू की रिपोर्ट। तेज। आपने मना नहीं किया? किया था। क्या कह रहा था? बोला नहीं था कुछ। गाड़ी बहुत तेज भगा रहा था, एकदम फुल स्पीड में। ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब।